भाई क्या सही सुंदर एयरपोर्ट बनाया है यार, पूरा पेड़ पौधों से डेकोरेट कर दिया गया, एकदम मॉडर्न लग रहा है भाई, बहुत ही जोरदार लग रहा है। 2500 का ये अगर मास्टर है। प्रायोरिटी पास तो सारे लाउंजेस में चलता है, वो भी नहीं चला यहाँ पे। परफ्यूम दे रखा है भाई, कैप्टन साहब ने बोला है कि काफी ज्यादा टर्बुलेंस रहने वाला है इस प्लेन में और हमने सीट भी पीछे लिया है। Guys, welcome back to another video and another new series. और ये भी सीरीज है इंटरनेशनल और हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। भाई हम लोग चार सिटीज जाएंगे, बैंकॉक, पटाया, फुकेट और क्राबी। बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी मैं हूँ बैंगलोर के T2 एयरपोर्ट टर्मिनल में। फर्स्ट टाइम आया हूँ इसके इंटरनेशनल टर्मिनल में और घुस गया सिक्योरिटी करा के और अभी अंदर जा रहे हैं। 2 घंटे बचे हमारा फ्लाइट लेने को और हम लोग थाई एयरवेज का फ्लाइट लेके जाएंगे, जो थाईलैंड का जो प्रीमियम एयरलाइंस है, और उसका एक्सपीरियंस बताएंगे लेकिन इकोनॉमिक क्लास में। अब बताते हैं एंट्री और इमिग्रेशन प्रोसेस। तो एंट्री और इमिग्रेशन प्रोसेस कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। इमिग्रेशन में भी मतलब खाली रिटर्न टिकट दिखाना पड़ता है, बोर्डिंग पास लेने के लिए भी हमें रिटर्न टिकट दिखाना पड़ा और बोर्डिंग पास मिल गया। वीज़ा तो लिया नहीं है, वीज़ा वहाँ थाईलैंड में जाके लेंगे, तो यहाँ पे खाली बोर्डिंग पास था। इमिग्रेशन में भी बंदे ने पूछा कि क्यों जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, रिटर्न टिकट दिखाओ, बोर्डिंग पास रिटर्न टिकट दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखा दिया। रिटर्न टिकट होना मैंडेटरी है, बस आ गए, सिक्योरिटी कर लिए, एकदम फ्लुएंट। और क्या मस्त एयरपोर्ट है भाई, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है लेकिन मस्त फैंसी सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। अभी जाएंगे, 2-3 घंटा बचा है तो लाउंज में जाके बैठते हैं और आगे की स्टोरी सुनाते हैं। भाई क्या सही सुंदर एयरपोर्ट बनाया है यार, मस्त एकदम, एक से एक एक्सपीरियंस है। पूरा पेड़ पौधों से डेकोरेट कर दिया गया, एकदम मॉडर्न लग रहा है भाई, बहुत ही ज़ोरदार लग रहा है। वो इमर्सिव एक्सपीरियंस तो क्या सही लग रहा था, मतलब चल के, मतलब वीडियो में तो उतना पता नहीं चलेगा, चल के आ रहे थे ना तो मज़ा ही आ गया था। भाई आ गए 080 इंटरनेशनल लाउंज ऑफ टर्मिनल 2। ये लाउंज अभी नया नया खुला है तो बहुत सारा कार्ड्स का एक्सेस ही नहीं है भाई इस लाउंज के पास। भाई प्रायोरिटी पास तक नहीं चलता है। डाइनर्स ब्लैक का जो क्रेडिट कार्ड है मेरा, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और उसमें मेरे पास अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस है, बहुत सारा लाउंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो भी यहाँ नहीं चला। डाइनर्स ब्लैक भी छोड़ो, प्रायोरिटी पास भाई, प्रायोरिटी पास तो सारे लाउंजेस में चलता है, वो भी नहीं चला यहाँ पे। 2-3 कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन भाई किस्मत में बताऊँ, मेरे पास था नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था भाई, उसमें POS ट्रांजैक्शन ऑन भी नहीं था, उसमें था एक्सेस, वो यूज़ किया, मैं छोटू को दिया क्योंकि इसके पास भी प्रायोरिटी पास है लेकिन उसका प्रायोरिटी पास नहीं चला, तो मैं अपने डेबिट कार्ड से उसको चलाया और फिर मेरे पास नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है, उससे मैंने अपना स्वाइप किया। पहली बार ज़िंदगी में नियो का डेबिट कार्ड काम में आया भाई, जहाँ कोई कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चला वहाँ नियो चल गया, मज़ा आ गया। और इसके साथ यहाँ पे 2 फ्री ड्रिंक्स के वाउचर मिले हैं और खाना तो अनलिमिटेड है ही, और प्लस बहुत सुंदर लाउंज है। और एक बेनिफिट क्या हुआ ना, अपना कार्ड चल गया ना, लेकिन मैक्सिमम लोगों के कार्ड्स नहीं चल रहे क्योंकि HDFC बहुत सारे बैंक से कार्ड्स नहीं चल रहे, तो इसीलिए ये लाउंज एकदम खचाखच खाली है भाई, कोई नहीं है, बहुत रहे, जब देखो वहाँ देखो वहाँ आपको जगह मिल जाएगा, और ये तो पीक डिनर टाइम है। तो चलो हम लोग भी कुछ खाना पीना लेते हैं और खाते हैं। ₹2 में फ्री का वाइन। ये देखो, कभी ऐसा सोचा था कि एयरपोर्ट, ये देख रहे हो ये ओपन सा एरिया है, यहाँ से देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है, गेट में जाते जाते बीच में आप खाली ओपन एरिया से जाते हो भाई, मस्त डिज़ाइन किया हुआ है, जिसने भी सोचा है ना बहुत ही सही सोचा है।
चढ़ गए प्लेन में, हमने बीच वाला छोड़ दिया था, लेकिन बीच वाले में हमें एक इंसान मिल गए, तो कोई नहीं होता है। आज ट्राई किया इमरजेंसी लेने का, इमरजेंसी भी नहीं मिला। लेकिन यार रिक्लाइन बहुत अच्छा है, लेग स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन रिक्लाइन बहुत बढ़िया है। तकिया ब्लैंकेट दिया है, तो ज़्यादा बड़ा फ्लाइट नहीं है, 3.5 घंटा ही लगेगा यहाँ से, तो 3.5 घंटे में तो आराम से मस्त लेट लेट के पहुँच जाएंगे। टीवी भी है और टीवी में पूरा फ्लाइट रूट दिखते रहेगा। बाकी तो यार चलो अब टेक ऑफ करते हैं। का तो टीवी काम नहीं कर रहा था और वो फीचर इंटरैक्टिव भी पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन एक चीज़ तो है भाई, इसका जो एयरक्राफ्ट है ना नया है और साफ़ सुथरा और मस्त एकदम चमचमा रहा है, चमका रहा है, वो तो बहुत सही है। लेकिन सर्विस मतलब अभी तक तो मेरे को थोड़ा सा एवरेज लगा और लेग रूम थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा लेग रूम नहीं है। एयर इंडिया का लेग रूम तो बहुत अच्छा था, सबसे फार तो कैथे पैसिफिक का था, उसके बाद एयर इंडिया और उसके बाद इसका मैं बोलूँगा। और कैप्टन साहब ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस रहने वाला है इस प्लेन में और हमने सीट भी पीछे लिया है, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी तक तो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन अभी आधा घंटा ही हुआ है, जैसे ही बोल रहा है हिलना थोड़ा सा चालू हो चुका है। फोमिंग हैंड सोप, सेम नल, टिश्यू पेपर भाई, ग्लास व्लास भी है, पता नहीं क्या करना है इसमें। और ये क्या है? ओ भाई परफ्यूम दे रखा है भाई, परफ्यूम मार लेते हैं थोड़ा सा। यू डिड टॉयलेट में, टॉयलेट में परफ्यूम। फ्लाइट से बस उतरे ही हैं, अभी जा रहे हैं इमिग्रेशन करने, देखते हैं अभी वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, पैसे वैसे दे के तो लेते हैं वीज़ा, वीज़ा लेते हैं बाहर निकलते हैं। घुस गया फाइनली थाईलैंड में, वीज़ा ऑन अराइवल और इमिग्रेशन करके अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाने, कुछ जाके खाने पीने का देखते हैं, खोजते हैं और उसके बाद पूरा किस्सा बताते हैं। भाई देखो ये क्या मस्त यूनिक सा नहीं है, एस्केलेटर प्लस रैंप। ब्रेकफास्ट सेट इज 280। अभी बज रहा है सुबह के 8। हमारा अभी क्या है ना, यहाँ से प्लान है कि यहाँ से अभी फुकेत जाएंगे, तो फुकेत का फ्लाइट है 1 बजे, लेकिन वो होगा दूसरा वीडियो। तो अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और हम ख़त्म करने से पहले आपको पूरा किस्सा बताते हैं वीज़ा प्रोसेस का और इमिग्रेशन का। तो हम लोगों ने लिया वीज़ा ऑन अराइवल, हम लोग ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा जो होता है, जो आप इंडिया से भी बना के ला सकते हो, वैसा नहीं किया था। तो इमिग्रेशन से पहले आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेने जाना होता है। वीज़ा ऑन अराइवल में गया, प्राइस वीज़ा ऑन अराइवल का है 2000 baht, लेकिन एक ये लोग ना चुपके से एक एक्सप्रेस काउंटर भी बना के रखे हैं प्रायोरिटी लेन, जिसमें आपको लेते हैं 2200 baht, 200 baht एक्स्ट्रा फॉर प्रायोरिटी। देखो कुछ प्रायोरिटी है नहीं उसमें, क्या है ना कि बस आपको आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक नहीं करते उसमें, और आपको जल्दी से दे देते हैं, मतलब 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। हमें क्या हुआ कि हमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा और हमारा डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी हुआ, बस दैट्स इट। लेकिन हमने 2000 दिया और आराम से हमारा वीज़ा लग गया, थप्पा लग गया। फिर इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन में भी कोई सवाल नहीं पूछा। डॉक्यूमेंट्स में क्या पूछा, तो बेसिकली आपके पास होना चाहिए 10,000 baht अगर आप अकेले आ रहे हो। मैं हमें भाई के साथ आया था तो हमारे पास था 20,000 baht, 2000 baht मतलब कैश में होना चाहिए 20,000, जिसमें से 2000 baht मतलब मेरा वीज़ा फीस है, तो वो 2000 baht भी 20,000 में इंक्लूडेड हो सकता है। उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, और रिटर्न टिकट के साथ साथ जो बीच में, थैंक यू,
रिटर्न टिकट के साथ साथ जो बीच में आपका जितने दिन रुक रहे हो उतने दिनों का आपका पेड होटल बुकिंग्स होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ है तो आप, तो मैं बोलूँगा कि वो प्रायोरिटी लाइन में मतलब वो 200 मत दो। मैं तो 200 एक्स्ट्रा नहीं दिया, 2000 ही दिया। मज़ा आया करने में। वो ये लोग आपको ज़बरदस्ती भेजते हैं उधर, और आप इस साइड आते हो ना तो कोई आता नहीं है 2000 में। मैक्सिमम लोग कोई 2200 वाला ही लेके जाते हैं, क्योंकि भाई उन लोगों ने प्लान ही वैसा करके रखा है। लेकिन मस्त था एक्सपीरियंस, अच्छा था, डरने का नहीं, कुछ नहीं, बस जाके घुस जाना है और 2000 देना है और लेना है। तो वही देखे आ गए, मस्त वीज़ा लग गया। 15-20 मिनट से आधा घंटा लगा हमें उस प्रोसेस में। फिर बाहर आया, पैकेज कलेक्ट किया, सिम लिया। यहाँ पे बेसिकली मैंने देखा दो कंपनी का सिम चलता है। और हाँ भाई, आप अगर प्लेन से उतरते हो ना, प्लेन से उतरने के बाहर से ही आपका सिम का काउंटर चालू हो जाता है, और सिम का काउंटर फिर बाहर निकल के भी वही सिम का काउंटर मिलता है। प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो। लेकिन अंदर क्या है कि वो लोग खाली कैश एक्सेप्ट करते हैं, बाहर आप कार्ड से भी पे कर सकते हो। मैंने लिया है ट्रू 5G 449 भात में 8 दिन के लिए अनलिमिटेड 5G। और हम लोग तो और 2 दिन के लिए हैं, और 2 दिन के लिए क्या कर सकते हो ना, पर डे 50 भात एक्स्ट्रा लगा के आप 7-Eleven कोई भी 7-Eleven स्टोर में जाके आप अपना वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो पर डे। लेकिन ये जो लिया है 8 डेज़ का सिम लिया है मैंने, और मुझे पड़ा 449 भात। ये आ गया मेरा आइस्ड अमेरिकानो। अब फाइनली मैं बता देता हूँ कि थाई एयर एशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो भाई थाई एयर एशिया का एक्सपीरियंस तो अच्छा था। टर्बुलेंस बीच में आया था थोड़ा सा, लेकिन बाकी टाइम इट वाज नाइस। बस एक चीज़ था कि लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन उसके अलावा फ़्लाइट बहुत कंफर्टेबल था। आई वुड रेट इट नाइस, मतलब ऑन टाइम अराइवल था, तो सब कुछ ऑन टाइम है, और ये फ़्लाइट ऑन टाइम चलती है, थाई का नेशनल एयरवेज है तो अच्छा है। मतलब आई वुड नॉट से मतलब सबसे अच्छा, क्योंकि मैंने कैथे पैसिफिक भी ट्रैवल किया। कैथे पैसिफिक काफ़ी अच्छा था, इससे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता था कंपैरेटिवली। लेकिन एयर इंडिया को और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे को एयर इंडिया में लगता है कि एयर इंडिया में आपको पैर लेग स्पेस वगैरह ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका जो फ्लाइट था थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न था। और एयर इंडिया से अगर आप देखो तो एयर इंडिया डीले करती है, ये डीले नहीं करती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला व्लॉग में आप लोग देखेंगे हमें फुकेट जाते हुए। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, नाश्ता करते हैं, एंड फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। चलो भाई।